गूगल हैज डिलीटेड रिमूव चाइना एप्स एंड मित्रो एप्स फ्रॉम इट्स प्ले स्टोर। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि गूगल ने ऐसा क्यों किया है और इन सबके पीछे रीजन क्या है। तो वेलकम टू माई चैनल बैंकिंग वर्ल्ड, मैं हूँ दिव्या और आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि इज गूगल एंड एप्पल सपोर्टिंग चाइनीज गवर्नमेंट। तो इसी के बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो गूगल और एप्पल ये दोनों पूरे सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन है। इट इज एवरीवेयर सेड दैट गूगल एंड एप्पल बोथ द टेक जायंट्स आर इन सपोर्ट ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग गूगल एंड एप्पल, मतलब वो उसे कंट्रोल कर रहे हैं ये टेक जायंट्स को, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये क्यों है? तो रिमूव चाइना एप्स एक्चुअली क्या है, May 17 को प्ले स्टोर पे एक नया एप लॉन्च किया गया, दैट इज रिमूव चाइना एप्स, ये एप का नाम था। ये एप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो इससे जो भी चाइना के एप्स आपके मोबाइल में है वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से इस एप का वर्किंग था और जयपुर बेस्ड वन टच एप लैब्स इन्होंने इसको लॉन्च किया था, रिमूव चाइना एप्स को। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का इसको सपोर्ट मिला और 5 मिलियन टाइम्स से भी ज्यादा इसका इसके डाउनलोड हुए और रेटिंग भी 4.8 के आसपास इसकी थी। फिर क्या हुआ, May 17 से लेके एक ड्यूरेशन तक ये बहुत ज्यादा पीक पे चला और बहुत सारे इसके यूजर्स थे और बहुत सारे लोगों ने इसको डाउनलोड किया और उससे बहुत सारे चाइना के एप जो थे वो डिलीट होना शुरू हो गया। तो ये सारा सिनेरियो था। फिर एक पॉइंट के बाद गूगल ने उसे हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो रिमूव चाइना एप्स को इसमें से डिलीट कर दिया। तो रीजन क्या था मेनली, सबसे पहली चीज तो यूजर्स को ऐसा लगता था ड्यू टू द एंटी चाइना सेंटिमेंट्स, दो कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक, ऐसा माना जाता है कि चाइना के वुहान से ये सारा आउटब्रेक शुरू हुआ था, ये पैंडेमिक शुरू हुआ था। इस वजह से इंडियंस वर समवॉट अपसेट विद द चाइनीज गवर्नमेंट और फॉर दैट रीजन। एंड सेकेंड रीजन वॉज ड्यू टू द इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज, जो लद्दाख में इश्यूज चल रहे हैं बॉर्डर को लेके, उस वजह से ये दोनों रीजंस की वजह से यूजर्स ने इस एप को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, रिमूव चाइना एप्स को, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइनीज गवर्नमेंट। तो बहुत सारे यूजर्स बढ़ गए और फिर ये देख के गूगल ने इसको हटा दिया। गूगल ने ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया था उस समय कि वो कोई भी ऐप को वो एक फ्रेंडली, मतलब यूजर फ्रेंडली सरफेस इंटरफेस यूजर्स को देना चाहते हैं। और सेकंड चीज ये थी कि वो उन्होंने ऐसा क्लैरिफिकेशन दिया कि जो थर्ड पार्टी अगर कोई ऐप किसी और ऐप को डिलीट करने का परमिशन गूगल प्रोवाइड नहीं करता, किसी भी ऐप को परमिशन नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी ऐप्स को डिलीट कर सके, ठीक है, गूगल ओनली हैज दैट परमिशन। तो इस वजह से उन्होंने ये ऐप को डिलीट किया, ऐसे गूगल ने क्लैरिफिकेशन दिया। बट लास्ट वीक में ही एक मित्रो ऐप करके ऐप था, जो एक नॉर्मल ह्यूमर पे बेस्ड ऐप था जिसे टिकटॉक का कंपटीटर माना जा रहा था। आपको उस पर शॉर्ट वीडियोस आप बना सकते हैं और अच्छे से एडिट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और एक कनेक्शन बनता है। और ये बैंगलुरु बेस्ड एक ऐप थी पर इसे टिकटॉक का कंपटीटर माना गया था और इस वजह से मित्रो ऐप को भी डिलीट कर दिया गया, ऐसा यूजर्स का मानना है, ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है। जबकि गूगल ने इस पे भी क्लैरिफिकेशन दिया कि उसका जो सोर्स कोड है वो टिक टिक करके ऐप है, पाकिस्तानी ऐप है, उसका और उसका सोर्स कोड मैच करता है। और उन्होंने ऐसे बोला कि अगर वो सोर्स कोड के साथ बहुत सारे चेंजेस करते हैं, अगर सोर्स कोड बदल देते हैं या फिर प्रॉपर जो बग्स है वो फिक्स कर देते हैं, तो वापस मित्रो ऐप को गूगल वापस ऐप प्ले स्टोर पे वापस आने देगा। तो ये दोनों जो एप्स थी ये इंडियन एप्स थी और एक रीजन ये था कि यूजर्स ने इसको सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ द आत्मनिर्भर भारत अभियान। द प्राइम मिनिस्टर फोकस्ड ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट, दैट इज व्हाई देयर वर थ्री रीजंस। फर्स्ट इज इंडो चाइना बॉर्डर इश्यूज, सेकंड द कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड थर्ड इज द आत्मनिर्भर भारत अभियान। बिकॉज ऑफ दीज थ्री थिंग्स और दीज थ्री रीजंस, ये तीनों रीजंस की वजह से, एक तो पहली चीज तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, दूसरा चीज जो टेंशन बॉर्डर को लेके इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, तीसरी चीज जो कोरोना वायरस चाइना से आया है, मोस्टली आउटब्रेक वहां से हुआ है, इन तीनों की वजह से
जो यूजर्स है उन्होंने चाइनीज ऐप को के अगेंस्ट ये दोनों एप्स को डाउनलोड किया। पहले चीज तो जो मित्रो ऐप है वो टिकटॉक का कंपटीटर था और टिकटॉक को सपोर्ट नहीं करना था, इसीलिए मित्रो ऐप जो हमारा इंडिया का ऐप है, डोमेस्टिक ऐप है, उसको ज्यादा यूजर्स मिले। एंड सेकेंड, जो ये रिमूव चाइना एप्स है, चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, सारे चाइनीज एप्स को डिलीट करने का डिसीजन लेने के लिए यूजर्स ने इस ऐप को बहुत ज्यादा सराहा। तो ये दोनों कारण की वजह से ये एप्स को बहुत ज्यादा हाई रेटिंग मिली और बहुत ज्यादा इसके डाउनलोड भी थे। उसके अलावा जो ग्लोबल टाइम्स है, ये जो ऐप है रिमूव चाइना एप्स, तो जो ग्लोबल टाइम्स है, जो न्यूज़पेपर है चाइना का, उन्होंने बोला कि द रिमूव चाइना ऐप विल हैव टू फेस एन एक्शन और पनिशमेंट बिकॉज ऑफ इट्स मतलब यूसेज, मतलब जिस तरीके का उसका जो मेन क्राइटेरिया है जिसपे रिमूव चाइना एप्स ये जो ऐप है ये डिपेंडेंट है, तो ग्लोबल टाइम्स ने बोला कि चाइना गवर्नमेंट विल टेक एन एक्शन और विल टेक एन एक्शन एंड रिमूव चाइना ऐप विल हैव टू फेस द पनिशमेंट, मतलब उनको पनिशमेंट दी जाएगी ये ऐप के लिए, ठीक है। तो ये ऐप जो है उसको पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी चाइना गवर्नमेंट से, तो ऐसा ग्लोबल टाइम्स का मानना था। पर क्योंकि मित्रो ऐप ये टिकटॉक का कंपटीटर था और ये जो रिमूव चाइना एप्स था ये सारे एप्स को हटा देता था, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि गूगल ने उस वजह से, ये दो मेन रीजंस की वजह से उसे डिलीट कर दिया। नेक्स्ट थी, और एक रीजन ये भी सामने आ रहा है कि गूगल चाइना को सपोर्ट कर रहा है और चाइनीज गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग गूगल, की जो टिकटॉक ऐप है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लास्ट मंथ में फेस करना पड़ा, बीइंग इट इज अ चाइनीज ऐप, तो उसपे टोटल 28 मिलियन जो रिव्यूज थे उसमें से 8 मिलियन नेगेटिव रिव्यूज थे, जिस वजह से जो टिकटॉक की रेटिंग थी वो 4.5 आई सपोज, उसमें से 1.2 हो गई। तो गूगल ने क्या किया कि ये जो 28 मिलियन जो उसके रिव्यूज थे जिसमें से 8 मिलियन वेर निगेटिव, तो 8 मिलियन निगेटिव रिव्यूज जो थे उसको हटा दिया, गूगल से हटा दिया, उस प्ले स्टोर से हटा दिया, मतलब टिकटॉक पे जो 8 मिलियन निगेटिव रिव्यूज थे उसे हटा दिया, जिस वजह से जो टिकटॉक की रेटिंग 1.2 थी वो वापस 4.4 हो गई, ठीक है, वापस 4.4 हो गई, तो वापस उसके यूजर्स बढ़ गए, वापस उसको फायदा होना शुरू हो गया। तो ऐसा माना जाता है कि एक तो इंडियन एप्स को डिलीट किया जा रहा है, साथ में चाइनीज ऐप को ज्यादा फेवर किया जा रहा है गूगल के द्वारा। वैसे ही एक केस एप्पल से भी रिलेटेड है, हांगकांग का एक ऐप था एचके मैप लाइव करके, ठीक है, ऐप स्टोर पे, तो वो रिलेटेड था जब हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे थे लास्ट ईयर 2019 में, तो जब वो प्रोटेस्ट चल रहे थे तब ये ऐप आया एचके लाइव, एचके मैप लाइव करके। तो एचके मैप लाइव में ऐसा था कि जो हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे थे उस वजह से कहीं पुलिस के बैरिकेड्स लगे थे और बहुत सारा अगर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो ये ऐप लाइव लोकेशन बताता था कि कौन से जगह बैरिकेड्स लगे हैं, कौन से जगह प्रोटेस्टर्स है, कौन से जगह पुलिस है, ठीक है। तो इस वजह से जो यूजर है उसको हेल्प होती थी कि वो घर से निकले ना निकले, कौन से रूट से जाए और कौन सा डायरेक्शन चूज करे और कहाँ पे बैरिकेड्स उसको मिलेंगे, कहाँ पे उसको पुलिस मिलेगी, कहाँ पे उसको प्रोटेस्टर्स मिलेंगे, ये सारी चीजें उसको लाइव लोकेशन से मिल रही थी और ये बहुत एक हेल्पिंग ऐप यूजर्स के लिए माना जा रहा था। तो यूजर्स ने उसको बहुत ज्यादा डाउनलोड किया, बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट मिला, बहुत सारे डाउनलोड्स मिले, रेटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, बट बाद में एप्पल ने अल्टीमेटली उसको डिलीट कर दिया क्योंकि यूएस वो सपोर्टिंग हांगकांग प्रोटेस्ट और चाइना उसके अगेंस्ट थी, ठीक है, हांगकांग के जो प्रोटेस्ट थे उसमें यूएस उसको सपोर्ट कर रही थी, चाइना उसके अगेंस्ट थी, पर चाइनीज गवर्नमेंट को इससे नुकसान था इसीलिए एप्पल ने उसको डिलीट किया, ऐसा माना जा रहा है। पर एप्पल ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया कि ये जो ऐप है वो पुलिस के अगेंस्ट यूज की जा रही थी, कि मतलब पुलिस का है उनको ढूंढ के, उनको वहां पे जाके प्रोटेस्ट करने के लिए ये ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था, ऐसा एप्पल का मानना था। और इसका रीजन देके उन्होंने ये एचके लाइव मैप लाइव जो ऐप थी उसको डिलीट कर दिया। तो अल्टीमेटली यूजर्स जो है या फिर सोशल मीडिया है उनका सोशल मीडिया यूजर्स उनका मानना है कि ये जो सारे एप्स है जो चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट है उन सब एप्स को जानबूझ के गूगल और एप्पल डिलीट कर दे रहे हैं और जो इंडियन एप्स है उसे भी ज्यादा फेवर नहीं किया जा रहा, उनको उल्टा डिलीट किया जा रहा है
और जो चाइनीज एप्स है जैसे टिकटॉक वगैरह, उनके जो नेगेटिव रिव्यूज है उसको डिलीट किया जा रहा है और उनको ज्यादा फेवर किया जा रहा है। तो इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि मे बी चाइनीज गवर्नमेंट इज ट्राइंग इज कंट्रोलिंग द एप्पल एंड गूगल टेक जॉइंट्स, और गूगल एंड एप्पल इज सपोर्टिंग चाइना। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? लुकिंग एट द ह्यूज बेस ऑफ चाइना, मतलब चाइना के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट बेस है, जिस वजह से चाइना को एप्पल और गूगल बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट उनका बिजनेस वहां पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। तो इस वजह से उनको हैंड ऑन हैंड चाइना के साथ चलने की जरूरत पड़ रही है, चाइना को हेल्प करने की जरूरत पड़ रही है, और जो भी चाइना के अगेंस्ट सारे एप्स है उसको इनडायरेक्टली डिलीट करके कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन देके, रीजंस देके उसको हटाया जा रहा है। तो ये सारा डिस्कशन का पॉइंट हमारा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।